2017 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे मुकेश अंबानी और रिलायंस जियो, और इसका रीजन ये है कि उन्होंने सस्ता डाटा प्लान देकर बहुत से कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित किया, जो कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया नहीं दे रहा था, और इसी वजह से जियो का सबसे बड़ा यूजर बेस भी है। 2018 में भी यही करने का जियो ने सोचा है और इसकी शुरुआत हुई है न्यू ईयर प्लान से, और इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जियो ने रिपब्लिक डे प्लान भी ऑफर कर दिए हैं, जिसमें बहुत ही डिस्काउंट और बहुत ज्यादा डाटा मिलेगा। चलिए बात करते हैं रिपब्लिक डे प्लान्स की। जो डाटा पहले 98 रुपीज में 14 दिन के लिए मिलता था, अब वो डाटा 98 रुपीज में 28 दिन के लिए मिलेगा। सो यहाँ पर वैलिडिटी बढ़ गई। जियो ने और भी कुछ बहुत आकर्षक से ऑफर दिए हैं, जिसमें 149 में 28 दिनों के लिए 150 MB डाटा मिलता था। न्यू ईयर प्लान में वो 150 MB को 1 GB कर दिया गया, और अब उस 1 GB को 1.5 GB कर दिया है, यानी कि 150 रुपए में आपको 1.5 GB डाटा पर डे मिलेगा, वो भी 28 दिनों के लिए। और जियो के जो हैप्पी न्यू ईयर प्लान आए थे 2018 के, जिसमें आपको 1.5 GB डाटा पर डे मिल रहा था, उसे 2 GB कर दिया है। और ऐसा रिलायंस जियो ने एयरटेल को पछाड़ने के लिए किया है, क्योंकि एयरटेल ने हाल ही में अपना 399 में 84 दिन के लिए 1 GB डाटा का ऑफर दिया था। दोस्तों कुछ भी हो, पर इसमें फायदा हमारा कस्टमर का ही है, और यही जियो हमेशा से करता आ रहा है, अपने कस्टमर का ध्यान रखना, उन्हें एडिशनल बेनिफिट्स देना, ताकि कस्टमर बने रहें। रिलायंस जियो ऐसी ही आकर्षक स्कीम्स लाता रहेगा, और आप हमारे से जुड़े रहिए ताकि हम आपको इनके बारे में बताते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।